हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th को आज मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करके चलेंगे, जो कि है हमारा पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद। उसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं शेषफल प्रमेय यानी कि रिमाइंडर थ्योरम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट करने से पहले कुछ दो तीन चीजें हैं जिसको हम पढ़ेंगे, जिसको हम डिवाइड करना जानेंगे कैसे होता है। जैसे कि आप लोगों के काफी हमारे पास क्वेरीज आई कि प्लीज आप चैप्टर फिर से स्टार्ट कर दीजिए, तो उसी को स्टार्ट करते करते अब रिमाइंडर थ्योरम पे हम पहुंचे। काफी बच्चों ने रिमाइंडर थ्योरम हमारी आपका पहले पढ़ भी लिया होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पढ़ लें, जिन्होंने पढ़ा है वो उनका एक जरा से रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है सक्सेस ऑल डिपेंड्स ऑन द सेकंड लेटर। जी हाँ, सक्सेस ऑल डिपेंड्स ऑन द सेकंड लेटर। सेकंड लेटर यानी कि दूसरा अक्षर। दूसरा अक्षर मतलब सक्सेस की स्पेलिंग क्या होता है, अगर आप स्पेल करो सक्सेस को तो दैट इज एस यू डबल सी ई डबल एस, यानी कि एस सेकंड लेटर की बात करें तो एस यू सेकंड लेटर इज यू की। जी हाँ, सक्सेस किस पे डिपेंड करता है, सेकंड लेटर दैट इज यू, यानी सक्सेस केवल आप पे डिपेंड करती है। अगर आप बिल्कुल मेहनत अगर अच्छी तरीके से कर रहे हैं, इन अ प्रॉपर वे में कर रहे हैं, इन अ डिसिप्लिन मैनर कर रहे हैं, अगर आपकी दिनचर्या बिल्कुल डिसिप्लिन्ड है, आपने अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छा किया हुआ है, टाइम आपने बांटा हुआ है, तो हाँ आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। यानी कि अगर आप एक डिसिप्लिन वे से अपना काम कर रहे हैं, डिसिप्लिन वे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो यस सक्सेस क्या है, आपके सक्सेस बिल्कुल आपको मिलेगी। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि मैं क्या हाँ जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि रिमाइंडर थ्योरम है ना, रिमाइंडर थ्योरम को हम पढ़ने वाले हैं, पर रिमाइंडर थ्योरम से पहले कुछ चीजें हैं जो हमें जाननी चाहिए, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज और मैं आपको इसमें जो क्वेश्चन रह गया था जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल में, वो लास्ट क्वेश्चन में आपको करा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन था पहले रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने से पहले एक टॉपिक जीरो ऑफ पॉलीनोमियल का लास्ट क्वेश्चन जो रह जाता है वो है, आप लिखिए क्वेश्चन फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, यानी कि बहुपद के शून्य ज्ञात करें। ठीक है, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो पहले जैसे सिंपल है, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है x प्लस 5, तो इसका आपको क्या करना है, आपको इसका बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको करें फटाफट फटाफट करें, इसको क्वेश्चन कॉपी करें, उसके बाद इसको आप करें फटाफट। बहुपद के शून्य को आपको ज्ञात करना है, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए आपको मैंने स्टार्टिंग में भी ये क्वेश्चन जब हम इसका कर रहे थे तो इंट्रोडक्शन टाइप में मैंने आपको जब पढ़ाया था तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे। रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ने से पहले ये दो चीजें ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको हम कर लेते हैं। देखिए क्या मैंने आपको बताया था, इस तरह के क्वेश्चन कैसे हम करते हैं कि फाइंड द जीरो पॉलीनोमियल, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया है स्टार्टिंग में। तो जीरो पॉलीनोमियल आपको निकालना है, देखो जीरो पॉलीनोमियल निकालने के लिए क्या है, पी एक्स क्या हमारा जीरो होना चाहिए भैया, जीरो होना चाहिए है ना। तो ये जीरो होगा यानी कि आपको इट मीन्स कि एक्स प्लस 5 आपका जीरो के बराबर होगा। तो एक्स प्लस 5 जीरो है तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 5। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 5। तो जब एक्स की वैल्यू माइनस 5 आएगी तो आपने सो माइनस 5 इज द जो एक्स की वैल्यू है इज द जीरो ऑफ पॉलीनोमियल। ये हमारा क्या है, आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। तो इस तरीके से किसका, इसका पीएक्स प्लस है का जीरो ऑफ पॉलीनोमियल क्या होता है बच्चों, जीरो ऑफ पॉलीनोमियल वो होता है जो पूरे पॉलीनोमियल की वैल्यू क्या कर देता है, जीरो कर देता है। इसलिए मैंने ये चीज यहाँ पे ली थी है ना। अब आप इसको लग के देख लें, पीएक्स पे अगर आप पीएक्स वर्चुअल क्लासरूम अगर आप इसमें जीरो पॉलीनोमियल क्या करेगा, तो इस तरीके से आपका पॉलीनोमियल की वैल्यू को जीरो कर देगा, एक्स की जगह माइनस फाइव डालूंगा, फाइव प्लस फाइव बच्चों क्या आ जाएगा, जीरो। देख रहे तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा ना, यूज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल धातु अधातु के उपयोग डे टू डे लाइफ में, और साथ ही हमने टिक द करेक्ट आंसर ऑफ लिंक द ब्लैंक्स किए इस चैप्टर्स के, तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, इसी तरीके से आप अपना पढ़ते रहिए अच्छे से है ना, क्योंकि आप जितने बार इसको रिवाइज करें, क्योंकि रिवाइज करने से ही चीजें आपको
इसी तरीके से आप अपना पढ़ते रहिए अच्छे से, है ना, क्योंकि आप जितने बार है ना, चलिए दूसरा देखेंगे इसे कॉपी कर लिया आप लोगों ने, इसको रिवाइज करें क्योंकि रिवाइज करने से ही चीजें आपको आएगी, एक बार देखने से एक बार समझने से कोई भी चीज आपकी है 2x+5 जो कि है 2x+5, तो 2x+5 हमारे पास है, इसको हमें जीरो प्रूफ करना है, सॉरी इसका पॉलीनोमियल ऑफ जीरो में निकालना है, तो सिंपल वही तरीका रहेगा बच्चों, क्या कर देंगे हम पॉलीनोमियल को जीरो कर देंगे, यानी कि जीरो पॉलीनोमियल क्या होता है, जो पॉलीनोमियल को जीरो कर दे, तो हमने जीरो कर दिया, यानी कि 2x+5 किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे 2x की वैल्यू 5 हो जाके -5 हो जाएगा, x की वैल्यू आप देखोगे -5/2 आ जाएगी, है ना, क्योंकि x की वैल्यू x को अकेला छोड़ो, 2 फालतू है, 2 को हटाओ वहां से, इधर डिवाइड में ले आओ, माइनस आप देखोगे तो सो इसमें लिख सकते हैं, सो -5/2 इज द जीरो ऑफ पॉलीनोमियल, यानी कि -5/2 बहुपद क्या था हमारे पास, बहुपद था हमारे पास 2x+5 का शून्यक है, ऐसे इन क्वेश्चनों को हम करने वाले हैं, कॉपी करने को भी चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको दूंगा अभी पॉलीनोमियल ax, और वहां पे बोला गया है कि भाई जो a है वो जीरो के बराबर नहीं है, क्वेश्चन में आपको बताया गया है a क्या आपका जीरो के बराबर नहीं है, तो a सही बात है, a जीरो के बराबर, अगर a जीरो हो जाए तो जीरो इंटू x तो ऑलरेडी जीरो हो जाएगा, तो यहाँ बता दिया गया है कि भैया a जो है जीरो के बराबर नहीं, a कोई नंबर है 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रियल नंबर, इरेशनल रैशनल नंबर कुछ भी हो सकता है, बट a जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, ये आपको बोला गया है, तो चलिए इसको करें, इसको करें जरा, क्या आपका जीरो आए इसमें, आप क्या क्या जीरो लाओगे आप फटाफट बताए मेरे को, सिंपल सा एक क्वेश्चन है, आ जाना चाहिए बस वही जीरो पॉलीनोमियल को, जीरो पॉलीनोमियल के बारे में उसमें आप रखेंगे और सिंपल आप आंसर ले आएंगे, तो आप इसको देखेंगे, ठीक है, px को हम 0 के बराबर रख देंगे क्योंकि 0 ऑफ पॉलीनोमियल बोला गया है, तो यहां पे ax को भी 0 के बराबर रखेंगे, तो हमें x की वैल्यू चाहिए थी, तो 0 अपॉन है ये 0 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई 0, तो 0 क्या है हमारा, 0 इज द 0 ऑफ पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल कौन सा px इक्वल्स टू ax का, ठीक है, तो लिख सकते हैं 0 क्या है हमारा बहुपद का, बहुपद px इक्वल्स टू ax का शून्यक है, ठीक, कॉपी कर लें इसको भी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक बार आपसे पूछा कोई है px इक्वल्स टू cx plus d है, उसमें बोला गया है जो c है आपका जीरो के बराबर नहीं है, जो c है आपका वो जीरो के बराबर नहीं है, और जो c और d है वो हमारे क्या है रियल नंबर्स हैं, ये भी बोला गया c एंड d बताया गया है कि c, इससे घबराना नहीं है, जो आप लिखते हैं जो पीछे लिखा होता है इससे घबराना नहीं है, ये बस बताया गया है, क्या बताया गया, c और d वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं है,
ठीक है, सीओडी क्या रियल नंबर है, सीओडी वास्तविक संख्या है, ये बताया गया है। तो बहुत सिंपल ये क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन भी कुछ नहीं है। देखो क्या बोला गया बच्चों, पी एक्स जीरो के बराबर रख दो, तो पी एक्स क्या है मेरा सी एक्स प्लस डी, तो सी एक्स प्लस डी को जीरो के बराबर रखेंगे, तो हमें भाई हमें तो एक्स चाहिए, तो सी एक्स ये डी उधर चल जाएगा, माइनस डी हो जाएगा, हमें अगेन मेरे को तो एक्स की वैल्यू चाहिए ना, तो एक्स को अकेला छोड़ो बाकी रह जाओ, तो माइनस डी अपॉन सी, तो एक्स की वैल्यू माइनस डी अपॉन सी, तो मैं लिख सकता हूँ माइनस डी अपॉन सी क्या है हमारा, इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, ठीक है, यानी माइनस डी अपॉन सी बहुपद का शून्यक है। ठीक है, बहुपद का शून्यक है, ठीक है, कॉपी कर लें इसको। देखिए अच्छा, आप ना इसमें अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं कि भाई मैंने जो आंसर निकाला है, जो हमने आंसर किया है कि वो सही है कि गलत है, कैसे चेक करोगे भाई, माइनस डी अपॉन सी आपका जीरो पॉलीनोमियल है, यानी कि आपके पॉलीनोमियल को क्या कर देगा, ये जीरो कर देगा, है ना, तो ये पॉलीनोमियल को जीरो कर देगा, तो देखते हैं जरा पी एक्स की जगह डालेंगे माइनस डी अपॉन सी, है ना, ये चेक कर रहे हैं हम, सी एक्स की जगह डालेंगे माइनस डी अपॉन सी प्लस डी, मल्टीप्लाई होगा सी 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 कैंसिल, बचेगा माइनस डी प्लस डी, आप देख सकते हैं जीरो आ गया, ये भी हम क्या कर सकते हैं वेरीफाई है, इसको हम कर सकते हैं कि भाई हमारा आंसर सही है कि गलत है, देखो जीरो कर दिया ना पॉलीनोमियल को, तो यस क्यूई जो हमारा जीरो पॉलीनोमियल क्या होता है बच्चों, जो पॉलीनोमियल की वैल्यू को क्या कर देता है जीरो कर देता है, वही हमारा जीरो पॉलीनोमियल होता है, यानी कि बहुपद का शून्य होता है, क्लियर। समझ में आई ये चीज, वेरीफाई वाला भी कॉपी कर लो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, ट्राई करेंगे क्वेश्चन को सब करने का। इफ माइनस थ्री इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू 3x square plus kx plus 6, तो आपको क्या करना है, then find value of k, हमको क्या find करनी है, value of k करनी है, यानी कि अगर या यदि minus 3 बहुपद का शून्यक है, बहुपद जीरो बहुपद का शून्यक है, और बहुपद क्या है, नहीं एक मिनट इसको ढंग से लिखेंगे हम, बहुपद, हेलो स्टूडेंट वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ ज्ञानदेव, सिक्स का ध्यान से देखिएगा, शून्यक है तो के का मान चैप्टर फोर है आपका, के का मान यहाँ क्लियर, हाइड्रोजन गैस देता है, क्या करता है बच्चों, ठीक है, इस क्वेश्चन को
इस क्वेश्चन को थोड़ा समझेंगे क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों की बुक से भाग का क्वेश्चन है, इसको आप समझेंगे। क्वेश्चन कॉपी करने पहले आराम से क्या है क्वेश्चन को ध्यान से कॉपी करें, क्वेश्चन को समझें, क्योंकि ये क्वेश्चन जितना अच्छा है समझेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ना घुमा फिरा के आएंगे तो आपको होने चाहिए। क्यों देखो जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे तो जब समझोगे तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ इस क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखें, इफ -3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px 3x square plus kx plus 6 then find the value of k, यानी कि यदि -3 बहुपद px 3x square plus kx plus 6 का शून्यक है तो k का मान ज्ञात करें। कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि जो आपको ना आता हो, है ना। तो कॉपी करें इस चीज को और समझें इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। देखिए बच्चों क्या है, मैंने आपको बोला अब क्या क्वेश्चन में देखो जो क्वेश्चन मैंने इसमें क्या करेंगे क्वेश्चन हम कॉपी कर लेंगे क्या क्या हमें क्वेश्चन में बोला गया है। अब बोला कि क्या बोला कि अगर यदि -3 क्या है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है ना, तो जो जो क्वेश्चन में गिवन है हम लिख देते हैं पहले, है ना। गिवन क्या है कि जीरो पॉलिनोमियल क्या दिया गया है, जीरो पॉलिनोमियल -3 दिया गया यानी कि बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक -3 आपको दिया गया है ना, ये हमें हमने गिवन लिख दिया कि भाई बहुपद का शून्यक हमको ये दिया गया है। और क्या दिया गया हमको भाई, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा हमको क्या दिया गया है, दूसरा हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया है, वो पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर प्लस kx प्लस 6, है ना। और हमें क्या करना है, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है ना, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब मुझे आप एक बार बताओ, अगर ये जीरो पॉलिनोमियल -3 है तो यानी कि ये क्या कर रहा होगा, ये इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर रहा होगा। जाहिर सी बात है ये पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर रहा होगा, और यहाँ पे पी एक्स यानी कि x क्या होगा -3 होगा। भाई यही तो हम करते आ रहे हैं ना, यही तो हम करते आ रहे हैं कि जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। चलिए चलते हैं, थोड़ा बैक गियर मारते हैं, रिवर्स चलते हैं, अभी आपको स्मार्ट बोर्ड में मैं समझाता हूं, फिर इस क्वेश्चन में फिर से आते हैं ना, हमने पिछला क्वेश्चन जो हमने किया था उसको समझते हैं, फिर आप देखेंगे कैसे से करना है। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, पिछले वाले क्वेश्चन में कि मैंने क्या बोला कि भाई देखो इस पे आ जाओ पहले, पी एक्स, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है x, बोला कि भैया ये क्या है जीरो पॉलिनोमियल आपको फाइंड आउट करना है। तो जीरो पॉलिनोमियल जब हम फाइंड आउट कर रहे थे तो हम हमेशा क्या है x की वैल्यू निकाल रहे थे, देख रहे हो आप, यहाँ जो पी एक्स होगा पी वाई होता तो पी वाई की निकालते, यहाँ भी हमने x की वैल्यू निकाली -5/2, तो ये क्या हमारा जीरो पॉलिनोमियल आया। इस x को अगर मैं यहाँ पुट करूंगा तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जानी है। देख लो पी एक्स से क्या -5/2 रखने वाला हूं मैं, है ना, इक्वल्स टू आप रखोगे 2 × -5/2 + 5, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया, बचा -5 + 5, तो आप देखोगे क्या आ गया जीरो, है ना। ये जीरो कैसे आया, जब मैंने इसको रखा और ये क्या है, ये जीरो पॉलिनोमियल है, है ना। तो यानी कि जो एक्स की वैल्यू है वो क्या होगी, वो -5/2 होगी। एक्स की वैल्यू क्या होगी, -5/2, ये -5/2 जो हमने रखा ये क्या था, ये एक्स की वैल्यू थी, तो ये जीरो पॉलिनोमियल कहलाया। और जीरो पॉलिनोमियल क्या कर देता है, पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर देता है, है ना, पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर देता है। इतना समझे, वही चीज आपको यहां लानी है, px equals to 3x square plus kx plus 6। अब आप देखो कि बच्चों ये है जीरो पॉलिनोमियल, यानी कि ये क्या पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर रहा होगा, कब, जब p की वैल्यू x, यहां जब मैं p -3 रखूंगा तो ये जीरो हो रहा होगा पूरा, -3 रखने पे ये जीरो हो रहा होगा, p -3 है, इसकी वैल्यू क्या है रखेंगे हम यहाँ पे 3x की जगह रखूंगा -3 का स्क्वायर प्लस k x रखूंगा अगेन -3, क्योंकि x क्या है जीरो पॉलिनोमियल है, ये इसको मैं ऐसे लिखता हूँ x की वैल्यू -3, है ना, ये x की वैल्यू -3 प्लस 6 इक्वल्स टू 0, 3 × 3 = 3 और ये 3 × 3 = 9 होगा। क्यों, मैंने आपको हमेशा बताया जब भी सम संख्या यानी इवन नंबर होगा किसी माइनस के साथ तो रिजल्ट हमें प्लस का देगा, पॉजिटिव का देगा। तो 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, प्लस माइनस माइनस 3k प्लस -3k प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब एक एक लिख दो, 27 प्लस 6 माइनस 3k इक्वल्स टू 0। इस 3k को उधर ले जा लो, चाहे भाई क्या करते हैं हम, चर वाली संख्या एक तरफ रखते हैं, अचर वाली एक तरफ रखते हैं, वेरिएबल्स एक तरफ रखते हैं, कॉन्स्टेंट एक तरफ रखते हैं ना, इसको उधर ले जा लो, तो 27 और 6 33 हो गया, ये 3k माइनस 3k उधर जाके प्लस का
थ्री के हो जाएगा भाई, हमें तो के से मतलब है ना, हमें तो के से मतलब, हमें के की वैल्यू चाहिए, के को अकेला छोड़ो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3k = 33, हमें तो के चाहिए ना, के को अकेला छोड़ा, इससे 3 हटाया और 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ गया, कटा 11 बार, तो k की वैल्यू क्या आ गई 11, k की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 11, k की वैल्यू आ गई है, ठीक है। चलिए इसको क्या करेंगे आप, इसको कॉपी करें फटाफट, इसको कॉपी करें फटाफट, k की वैल्यू 11 आएगी। इसको अगर समझ में नहीं आता है तो आप चैट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, एक नहीं दो नहीं आप 10 बार पूछिए, मैं आपको 10 बार समझाऊंगा जो भी चीज आपको समझ में नहीं आती है। चलिए इसे कॉपी करें, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसके बाद हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी कि रिमाइंडर थ्योरम की तरफ। करें कॉपी करिए फटाफट, अच्छे से इसे कॉपी करें, नहीं समझ में आता है तो आप इसको पूछ सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन ये था, ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है, बुक से बाहर, इस तरह के क्वेश्चन हमें करने चाहिए। हमने क्या पढ़ाई की, क्या हम समझे, वो सब इस क्वेश्चन में था। एक क्वेश्चन में आपका सब कुछ आ गया, जितना आपने इस चैप्टर को लेकर पढ़ा है वो सब आपका इस चैप्टर में आ गया है, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम। यानी कि रिमाइंडर थ्योरम यानी कि क्या, यानी कि बच्चों क्या, शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय है ना, शेषफल प्रमेय यानी कि शेषफल निकालना, हमें हमें शेषफल निकालना आना चाहिए, है ना। अब शेषफल कैसे हम निकालेंगे, शेषफल निकालना आना चाहिए, शेषफल हम कैसे निकालेंगे वो हमें यहाँ पे सीखना है। बट इसको निकालने से पहले इसको निकालने से पहले मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग एक सिंपल चीज यहाँ पे सीखें कि सिंपल चीज क्या है, ठीक है। सिंपल देखिए, रिमाइंडर निकालने से पहले, रिमाइंडर थ्योरम निकालने से पहले कुछ चीज हम जानते हैं, फिर रिमाइंडर थ्योरम पे हम आएंगे। पहले कहां इसका यूज होगा पहले वो तो हमें पता लगे, कहां इसका यूज होने वाला है वो तो हमें पता लगे, ऐसे डायरेक्ट अगर मैं टॉपिक पे आ गया तो आपको क्या समझ में आएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ डिवाइड करने के लिए है, ठीक है, मेरे पास डिवाइड करना है, मेरे को शेषफल प्रमेय में के अंदर हम पढ़ रहे हैं डिवाइड करना है यानी भाग देना है, डिवाइड एक पॉलिनोमियल है 3x² + x - 1 को बाय एक दूसरा पॉलिनोमियल है gx जो हमारा रैखिक बहुपद है x + 1, ठीक है, इसको इससे भाग देना है, ठीक है। एक रैखिक बहुपद हो गया, एक द्विपद हो गया, है ना, ये हमें हो गया, तो इसको कैसे भाग देंगे, भाग देना भी आना चाहिए। काफी बच्चों आप लोगों को भाग देना नहीं आता है, काफियों को आता है, काफियों को नहीं आता है। सिंपल सा तरीका है 3x² + x - 1, ठीक है। तो x से जब मैं 3 की मल्टीप्लाई करूंगा, अब क्या हमें पहले का इसमें क्या करना होता है, इसकी इसको इसके साथ देखना होता है, x में क्या मल्टीप्लाई करूं, x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 3x² आ जाए। भाई पहले तो x में आप x² x मल्टीप्लाई करो तो x² आएगा, साथ में 3 चाहिए तो यहाँ 3 लगा दो, यहाँ भी 3 लगा दो, नंबर क्या है 3x वो नंबर है। तो यानी कि मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों, मेरे को मल्टीप्लाई करना है 3x से, तो x इंटू 3x करूंगा, 3x² आ जाएगा। अभी बोलेगा 1, बोलेगा मैं भी तो हूं, मेरे को भी लो 1 × 3x + 3x। अब डिवाइड जब हम करते हैं तो डिवाइड हम माइनस भी करते हैं, और आपको पता है जब ये एलजेब्रा का माइनस कैसे होता है, अगर ये प्लस है ये नीचे माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, साइन उल्टे हो जाते हैं एलजेब्रा वाले में, है ना, एलजेब्रा वाले में साइन उल्टे हो जाते हैं, ये कट गया, ठीक है, कट गया, कुछ ऐसा था 3x² - 3x² ये कट गया, और ये वाला कुछ ऐसा है x - 3x, ठीक है, x - 3x यानी कि आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे माइनस का 2x - 1। अब x में कितना मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को -2x मिल जाए, तो भाई x में सिंपल -2 की मल्टीप्लाई करनी होगी, तो -2x, ये बोलेगा ±-2, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखूंगा तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये कट गया प्लस माइनस माइनस, और दो में से एक गया, मेरे पास बचेगा कितना 1, ये मेरा क्या बचा, ये मेरा रिमाइंडर यानी कि ये मेरा शेषफल बचा। इस क्वेश्चन को बाद के लिए भी याद रखना, ठीक है, फिलहाल इतना कॉपी करो, फिलहाल इतना कॉपी करो पहले फटाफट।
शेषफल प्रमेय के रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं, इसको आपको कॉपी करो, ये चीज डिवाइड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, दसवीं क्लास में भी आपके पास ये याद रखना। मैं ऐसे ऐसे डिवाइड्स आपको कराऊंगा जो आप दसवीं क्लास के डिवाइड्स भी कल के दिन कर लेंगे आराम से। दसवीं क्लास में भी सेकंड नंबर चैप्टर है बहुपद पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल्स। तो चलिए बच्चों, ये था हमारी आज की क्लास, कल हम इसमें थोड़ा आगे आपको और सिखाऊंगा कि डिवाइड इसमें कैसे डिवाइड करता है, कैसे हम इसको चेक करेंगे, क्या हम इसमें फॉर्मुलेज यूज करेंगे, उसके बाद बढ़ेंगे हम रिमाइंडर थ्योरम की तरफ। कल की क्लास पूरा डिवाइड पे जाएगी, हो सके परसों की भी जा सकती है, उसके बाद पढ़ेंगे हम अपना रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय। तो चलिए बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।